गैंग्स ऑफ वोसेपुर फिल्म में रामाधीर सिंह के बेटे जेपी सिंह ने षड्यंत्र रचा था डेफिनेट के साथ और फैजल खान से मरवाया था अपने ही पिता रामाधीर सिंह को अब ये तो कहानी एक फिल्म की पर ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया के हिस्ट्री में भी 492 BCE में अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिम्बी को मरवाया था क्यों सत्ता के मोह में वो चाहते थे गद्दी मगध की राजा बनना चाहते थे वो मगध की और मगध क्या था वो था एक जनपद आज हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में हम देखेंगे कि जनपद क्या थे सोलह जनपद हुआ करती थी तो हम देखेंगे सोलह के सोलह जनपदों के नाम मेंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देखेंगे और हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन गणसंघ और किंगडम्स जो ये जनपद है मगध उसकी स्टोरी देखेंगे हम देखेंगे कि क्यों इतना सक्सेसफुल बना मगध Invasions भी हुए थे उस समय तो पर्शियंस ग्रीक्स उन्होंने कैसे इन्वेड किया क्यों किया वो भी देखेंगे सोशल और मटेरियल लाइफ देखेंगे हम जनपदों के समय में महाजनपदों के समय में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तब का और लीगल सिस्टम भी देखेंगे हम महाजनपदों के समय का तो फ्यूचर ऑफिसर्स मेरा नाम है अरुणव मैं आपका स्वागत करता हूं इस महाजनपद के लेक्चर में जहां हम कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर करने वाले हैं महाजनपदों के बारे में पर उससे पहले लेट मी टेल यू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तो यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अब आपको मिलता है ट्वेंटी में ओके एंड ऑल्सो इफ यू यूज माई कोड अरु तब और ये ऑफर आज रात बारह बजे तक ही है तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ट मी ऑल्सो टेल्यू अबाउट पाथवे यह है लास्ट लाइफ बैच फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हिंग्लिश लैंग्वेज में है ये और आपको सारे टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे इस बैच में हंग्लिश में ही एंड यू कैन यूज माई कोड अरू फिफ्टी ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके लेटमी ऑल्सो टेल्यू अबाउट द अर बैचेज जो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स के लिए है एक है लिबर्टी बैच जो कंप्लीटली इंग्लिश में है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स के लिए है पाथवे बैच ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए और ये एक इंग्लिश बैच है पाथवे बाय द वे एंड आरंभ बैच है जो फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए जो इंग्लिश में है सारे टॉप एडुकेटर्स आपको के पे मिलेंगे पढ़ाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स एंड फॉर दैट यू कैन यूज माय कोड अरू 50 आल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्लस सो दैट हैज लाइव मेंटरशिप ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको डेली आंसर राइटिंग और बीस जीएस बुक्स मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप डाउट्स पूछ सकते हैं डेली कॉन्टेंट मिलेगा एंड ऑल्सो यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दैट देन अपार्ट फ्रॉम जीएस आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी करनी होती है सो दैट यू गेट अ गुड रैंक इन यूपीएससी सी एस सी फॉर दैट दीज आर आर ऑप्शनल कोर्सेज एंड यू कैन यूज माई कोड और सब्सक्रिप्शन सो यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन यूर सब्सक्रिप्शन ओके एंड ऑल्सो अनकेडमी अशोर अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं देन दिस इज द वन यू शुड गो फॉर क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आप है, तो आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो हंड्रेड आपका फीस रिफंड हो जाता है फॉर दिस यू कैन यूज माई कोड द सब्सक्रिप्शन विद द मैक्सिमम डिस्काउंट ओके तो लेट्स मूव अहेड लेट्स सी विथ द महाजनपद्स आर ओके अब जब हम सोचते हैं अबाउट महाजनपद डज इट रिंग अ बेल क्या हमने ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा है सो लेट मी टेल यू समथिंग अगर हम इस मैप को देखें तो यू कैन रिमेंबर माई लेक्चर ऑन अर्ली वेदिक एंड लेटर वेदिक एज तो वहां हमने देखा था कि अर्ली वेदिक एज के समय कैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोग रहा करते थे लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली ये था अर्ली वैदिक एज का समय नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते थे लोग इसके बाद धीरे धीरे ये ऑफ कोर्स अर्ली वैदिक एज के टाइम दे देवेर पेस्टोरलिस्ट पशुपालन करते थे धीरे धीरे दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर उस समय भी होता था अर्ली वैदिक एज के टाइम बट लेटर वैदिक में ज्यादा होने लगा क्योंकि बाय दैट टाइम वी हैड ऑलरेडी फाउंड वॉट आयरन इज तो आयरन जब मिला तो हम प्लाउज बना लगे बनाने लगे आयरन प्लाउज तो उससे हमारे लिए एग्रीकल्चर ईजी हो गया एंड ऑल्सो माइग्रेशन होने लगी टूअर्ड्स द गंगा यमुना दुआब तो गंगा यमुना दुआब एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है तो जब लोग यहां आने लगे दैट इज टू द गंगा यमुना दुआब तो लोगों को पता चला कि एग्रीकल्चर इज वेरी इजी टू डू रादर देन पेस्टोरलिज्म तो इसलिए एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होने लगा और हमने देखा लेटर वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज में कैसे सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम सब कुछ चेंज होने लगा बिकॉज ऑफ दिस वन चेंज की आयरन मिल गया और एग्रीकल्चर शुरू हो गया था वहां पे बहुत ही बड़े पैमाने पे फाइन तो नाउ इसके बाद क्या होता है तो इसके बाद की कहानी ही है महाजनपद की कहानी इफ यू सी वी कैन सी हियर 16 महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय कंबोज गांधार कुरु पांचाल कौशल सुरसेना मत्स्य अवंती चेतिया वत्स असका मगध अंग काशी वृजी मल्ल ठीक है सिक्सटीन लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि महाजनपद एक्चुअली हुए कैसे अगर आप सोचेंगे देर वॉज जन अगर अर्ली वैदिक एज वाला लेक्चर अगर आपको याद है तो जन ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो जन है ट्राइब्स जो है वो धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे फिर टेरिटरी के बारे में सोचने लगे इफ यू रिमेंबर फिर टेरिटरी के बारे में जब सोचने लगे तब द टेरिटरी बिकेम इंपॉर्टेंट तो धीरे धीरे वो जनपदों में तब्दील होने लगे उसके बाद एक पॉइंट आया जब ये और बड़े हो गए जब और बड़े हुए तब बन गए महाजनपद महा बहुत बड़े ज्यादा बड़े आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट नाउ तो वैसे जन से जाके अब महाजनपद बन गए हैं फाइन दिस वॉज द सिक्स सेंचुरी बी by the way, so यही पे वो कहानी बताई गई है कि आयरन टूल्स जो थे तो आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया लोगों ने थिक फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए जब वो आए एलुविलियम प्लेन्स में गंगा यमुना दुआब फिर इंडोगेंजेटिक प्लेन्स में फॉरेस्ट थे वहां पे, बिकॉज इट्स वेरी फर्टाइल तो इन्होंने क्या किया आयन का इस्तेमाल किया और फॉरेस्ट को क्लियर किया और फिर कल्टिवेशन स्टार्ट कर दी उसी लैंड पे तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा लैंड था ऑफकोर्स और फिर उन्होंने आयरन का ही इस्तेमाल किया वेपन्स बनाने के लिए तो हमने देखा था चार वर्णों में सोसाइटी बटी हुई थी तो जो वॉरियर क्लास था क्षत्रिय क्लास वो इंपॉर्टेंट हो गया और वो हमने पहले भी देखा था कि पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी तो राजा जो था वो यूज करता था जो उसी क्लैन में उसी ट्राइब में जो स्ट्रांग लोग थे उनके साथ जाता था जब बैटल्स हुआ करती थी राइट उनको लेकर जाता था अब थोड़ा अलग होने लगा हम देखेंगे स्टैंडिंग आर्मी के बारे में भी इसी लेक्चर में तो अब क्या हुआ क्योंकि आयरन होने लगा तो वॉरियर क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई तो लोग जो है उनको एलिजियंस ज्यादा होने लगा टेरिटरी को लेके पहले टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्यों क्योंकि पेस्टोरलिस्ट थे इधर से उधर घूमते रहते थे तो टेरिटरी इंपॉर्टेंट है नहीं गाय इंपॉर्टेंट है अब क्योंकि सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं अब क्योंकि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया है तो इसलिए टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्योंकि टेरिटरी इंपॉर्टेंट है तो जो पहले का उनका जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ करता था विथ द ट्राइब जन वो अब कम हो गया अब ज्यादा होने लगा टेरिटरी को लेके तो अब ज्यादा वो अटैच थे विद द टेरिटरी जहां रहते थे उस इलाके को लेके ज्यादा उनका अटैचमेंट होने लगा फिर परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगी जिससे जनपद होने लगे जो टेरिटोरियल स्टेट्स होने लगी तो बेसिकली वही है जन था जो ट्राइब था उसके बाद टेरिटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अब जनपद हो गए तो जनपद में किंग होता था और टेरिटोरियल स्टेट्स उसको रूल करता था वो किंग राजन राइट और उसके बाद क्या हो गया कि यही जो जनपद थे वो और बड़े हुए और महाजनपद बने तो यही कहानी है यूज ऑफ बेटर आयरन टूल्स एंड वेपन्स इनेबल्ड सम टेरिटोरियल स्टेट्स टू बिकम वेरी लार्ज एंड दे बिकेम महाजनपद बहुत बड़े बन गए उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई तब वो बन गए महाजनपद तो ये है महाजनपद आई होप यू अंडरस्टूड देन एक प्रीवियस से क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया आपको पूछ रहा है जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एंशियंट इंडिया की डेवलपमेंट में यह पूछा गया था 2023 में जीएस वन पेपर में अगर आप मैप को देखें एक बार फिर से इस मैप को तो देखिए सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं वो कहा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वहां पर ज्योग्राफी कैसी थी तो वहां पर इंडस वैली था और फिर सरस्वती रिवर भी था तो वहां पर वो लोग एग्रीकल्चर करते थे फिर जब डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो उसमें काफी सारी थ्योरीज हमने देखे थे उनमें से ये भी थ्योरीज थे कि शायद रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया इंडस रिवर ने सरस्वती रिवर तो पूरी सूख गई थी और कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ शायद अर्थक्वेक्स हुए थे नेचुरल कैलामिटीज भी शायद हुई थी सो ऑल ऑफ दीज आर देर तो हमें यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्योग्राफी जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उसके बाद जब वहां की ज्योग्राफी थोड़ी सी चेंज हो गई तब लोग थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आने लगे नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फाइन तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आने लगे बेसिकली ईस्ट की तरफ ही हम पकड़ लेते हैं उसको तो हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में कहाँ रह गए वो थोड़े से इधर मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे ही थे बट थोड़े से इंडिया की तरफ आने लगे अगेन वो अर्ली वैदिक टाइम था वहां भी ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं थी उनके लिए फिर जब उन्हें मिला एल्यूवियल सॉइल इंडोगेंजेटिक प्लेन में तब आप देखिए कि ज्योग्राफी यहाँ पे बहुत अच्छी थी फॉर एग्रीकल्चर तो देखिए कैसे ज्योग्रफी ने शेप किया पूरे एंशियंट इंडिया को और मैंने आपको एक बार बताया था अबाउट मास्टलॉज हायर ऑफ नीड्स अब क्योंकि उनके बेसिक नीड्स जो है वो मीट हो रहे हैं तो वो कुछ और ऊपर की बारे ऊपर के बारे में सोचेंगे अदर नीड्स एज इन हमने देखा था लेटर वेदिक पीरियड में उपनिषद के बारे में उसके बारे में हम फिर देखेंगे इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो उपनिषद हमें बोलते हैं कि फिलोसॉफिकली सोचिए क्वेश्चन एवरीथिंग ऑल ऑफ दीज तो वो क्यों आया क्योंकि लोगों के पेट भरे थे पेट क्यों भरे थे बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज को टेरिटरी थी प्रॉपर एक जगह है एक इलाका है जहां पे लोग रह रहे थे एक पॉलिटिकल सिस्टम है तौर तरीके से सब होने लगा एक राजा था उसके ब्यूरोक्रेट्स थे इन लेटर वेदिकेज हमने देखा ये सब तो क्योंकि वो सब होने लगा तो इसलिए दे कुड नाउ थिंक ऑफ समथिंग एल्स राइट तो कैसे ज्योग्राफी ने पूरे एंशियंट इंडिया को ही चेंज किया तो दैट यू कैन सी नाउ राइट तो ये क्वेश्चन वही बताता है अगेन अगर महाजनपद को भी हम देखे यहां पे इस मैप में तो आप देखेंगे क्योंकि यहां पे ज्योग्राफी इतनी अच्छी थी लुक एट मोस्ट ऑफ द महाजनपद आप देखेंगे यहां पर लेटमी चेंज द कलर ऑफ द पेन ये देखिए यहां पे, तो ये सबसे फर्टाइल लैंड है आज भी इंडिया में तो यहीं पे सबसे बड़े महाजनपद हुआ करते थे तो वट डज इट से क्योंकि ज्योग्राफी यहां पे सपोर्ट कर रही थी पॉपुलेशन को तो इसलिए लोग यहां पे थे इसलिए जैसा हमारा उस टाइम का हिस्ट्री uh, था वो शेप ही हुआ बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, दैट वी अंडरस्टैंड तो ये जो क्वेश्चन था दिस लेट्स यू थिंक कि कैसे ज्योग्राफी ने चेंज किया इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री को फाइन तो दिस इज हाउ यू लिंक डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था वेरियस पीरियड्स को टाइम को टाइम पीरियड्स को हम कैसे लिंक करते हैं यहां पर आप समझ रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी लिंक करते हैं हमने इन ऋग्वेदिक टाइम्स एंड लेटरवेदिक टाइम्स हमने कनेक्ट किया था कि कैसे इकोनॉमी, सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम सारे एक साथ जुड़े हुए हैं तो यहां भी आप देखेंगे कि कैसे जियोग्राफी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया री right. इंपॉर्टेंट so this this और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ेंगे इंटरकनेक्शन बनाने पड़ेंगे आपको तो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं दो कॉन्सेप्ट गणसंघ और किंगडम्स राज्य और गणसंघ अगर फिर से हम इस मैप को देखे तो यहां पे हमने जो 16 जनपद देखे थे उनमें से 14 किंगडम्स हैं और दो गणसंघ है कौन से मल्ल और वृज्जी मल्ल और वृज्जी जो है ये दोनों ये दोनों गणसंघ है बाकी सारे किंगडम्स अब ये क्या है गणसंघ क्यों या क्या या कैसे डिफरेंट है फ्रॉम किंगडम्स तो लेट मी टेल यू दिस कि गणसंघ नाम के आपको क्या लग रहा है संघ कुछ असेंबली है राइट और किंगडम्स में सुन के क्या लग रहा है कि मतलब कोई किंग होगा ऑफ कोर्स और हमने पहले ही देखा था लेटर वैदिक टाइम्स में कि कैसे धीरे-धीरे वो जो राजा होता था वो मोनार्कियल तो था ही ऑफ कोर्स पर हेरिडिटरी की तरफ बढ़ बढ़, बढ़ रहा था आई एम सॉरी तो वो होने लगा अब गणसंघ में क्या होता था राजा तो था पर वो हेरिडिटरी नहीं था मतलब क्षत्रियों के कुछ क्लैन्स हुआ करते थे ग्रुप्स ऑफ क्षत्रिय अलग अलग फैमिली के क्षत्रिय उन्हीं में से कोई राजा बनता था ऐसा नहीं है कि ये राजा है तो इसी का बेटा राजा बनेगा वैसा नहीं होता था जो सबसे काबिल है उन क्षत्रियो में से वो बनता था राजा वही कॉन्सेप्ट था गणसंघ का उनमें असेंबलीज हुआ करती थी अब पहले हमने असेंबलीज के बारे में पढ़ा है इन वेदिकेज पर ये असेंबलीज उन असेंबलीज जैसी नहीं है यहां पे इन असेंबलीज में सिर्फ क्षत्रिय ही पार्ट होते थे और वो क्षत्रिय ही थे जो डिस्कस करते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और फिर वो उस पर डिसीजन लेते थे अगर यूनैनिमस डिसीजन नहीं हुआ जैसे सब सब सेम तरीके से नहीं सोचते हैं तो किसी को लगता है कि ये होना चाहिए किसी को लगता है वो होना चाहिए तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तब वोटिंग होती थी

तो ये है गणसंघ एंड किंगडम्स किंगडम्स में अगेन इट यूज टू बी लाइक वेरी नॉर्मल किंगडम्स जैसे एक राजा होगा वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करेगा ऑफ़ कोर्स कुछ एडवाइजर्स होंगे पर एडवाइजर्स की बात सुनेगा राजा ये इंपॉर्टेंट नहीं है द राजा कैन डू एज ही विल्स अपने मन मुताबिक कर सकता है लेकिन गणसंघ में ऐसा नहीं होता था कॉन्सेप्ट ऑफ गणसंघ गण संघ में यही है कि डिस्कशन होते थे यूनैनिमस डिसीजन अगर नहीं भी हो रहा है तो वोटिंग होती थी दीज असेंड टेक द डिसीजन तो फाइनली राजा इज द वन हुड पर उसके नीचे ये संघ हुआ करती थी गणसंघ जो फाइनली सब कुछ डिसाइड कर रही थी आई होप यू विस पार्ट नाउ मगध की स्टोरी को देखते अब मगध एक ऐसा जनपद था जो बहुत ही सक्सेसफुल था बहुत सक्सेसफुल ये जो सोलह जनपद थे इनमें से मगध कौशल वत्स और अवंती ये चारों बहुत बड़े और सक्सेसफुल जनपद बन के उभरे पर उनमें सबसे बड़ा था मगध मगध की एक्सटेंट बहुत ही बहुत ही दूर तक थी हम देखेंगे जब हम लेटर लेक्चर्स में अबाउट मौर्यास पढ़ेंगे फिर बुद्धिज्म पढ़ेंगे जैनिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कितनी दूर तक फैला था मगध लेकिन ये मगध जो है इतना सक्सेसफुल बना कैसे वो हम आज पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टीज ने मगध को अपनी इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया तो पहले डायनेस्टीज को देखते हैं कौन सी कौन सी डायनेस्टीज थी पहला जो था वो था हरियंक डायनेस्टी फिर आया शिशुंग डायनेस्टी फिर नंदा डायनेस्टी एंड लास्ट में आया मौर्य डायनेस्टी अब मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज मौर्य टुक मगध एंड मेड इट अ प्रॉपर एम्पायर तो ये हम पढ़ेंगे एक अलग ही लेक्चर में आफ्टर वी स्टडी बुद्धिज्म और जैनिज्म उसके बाद पढ़ेंगे पर आज हम कवर करेंगे हरियंक डायनेस्टी शिशुंग एंड नंद डायनेस्टी उसके बाद कॉजेस देखेंगे कि इतना सक्सेसफुल कैसे बना मगध तो सबसे पहले हरियंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं हम तो अब बेम्बिसारिंबिसार ने हरियंक डायनेस्टी को शुरू नहीं किया था इट इज बिलीव कि ग्रैंड फादर ऑफ बिंबिसार वज द फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी पर एक्चुअल फाउंडेशन जो ले किया था वो बिंबिसार ने किया था बिंबिसार के बारे में हमने गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले स्टोरी को जब रिलेट किया था तब हमने सुना था या पढ़ा था

जनरली क्या होता है कि यूपीएससी आपको पूछता है कि कॉन्टेम्पर कौन है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बिम्बिसार के समय बुद्ध और महावीर दोनों ही थे ठीक है तो कैपिटल जो था उस समय मगध का वो राजगृह में था और राजगृह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पांच साइड से पांच हिल्स बेसिकली पहाड़ों से वो सराउंडेड था तो इससे क्या होता है कि कोई अगर एनिमी अटैक करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता क्योंकि वो पांचों साइड से घिरा हुआ है और जो ओपनिंग्स थी वो भी पत्थर के वॉल्स से बंद की थी तो क्या होता था कि वेन एवर ट्राइज टू कम एन अटैक वो नहीं कर पाते थे एकदम बीच में लेट मी शो यू दिस ऐसे पहाड़ थे पांच ओके okay? और यहां पे दिस वॉज द कैपिटल एकदम बीच में था तो ये एक रीजन था कि कैपिटल इतना प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो बहुत ही एनिमीज से बचा हुआ था मतलब नोबडी कुड कम एन अटैक सो दिस आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड लोकेशन अगेन इफ यू सी जियोग्राफी कम्स इन टू प्ले अगेन वील सी थोड़ी देर बाद कि जब आ, यहां से कैपिटल शिफ्ट होता है तब भी ज्योग्राफिकल एडवांटेज था मगध के कैपिटल को जब पाटली पुत्र में शिफ्ट होता है दैट ऑल्सो वील सी बट यू सी हियर ऑल्सो कि कैसे बिकॉज द कैपिटल वॉज सिचुएटेड इन सच अ प्लेस कि कोई अटैक ही नहीं कर पा रहा था तो मगध जो था कैसे स्ट्रॉन्ग बन गया देन पहला किंग जो था जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी वो बिंबिसार था हमने देखा था पहले कि स्टैंडिंग आर्मी उस समय नहीं हुआ करती थी राइट right? जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते थे कबीले में वही लोग जाते थे इन टर्म इन इन टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड बैटल्स पर अब स्टैंडिंग आर्मी होने लगी स्टैंडिंग आर्मी के बारे में भी मैंने आपको बताया था इन कि क्योंकि अब सरप्लस होने लगा है एग्रीकल्चर का तो टैक्स ले सकता है राजा अब टैक्स जब ले सकता है टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है राइट सो ही टेक मोर टैक्स अब जब जब वो ज्यादा टैक्स ले रहा है तब वो क्या करेगा कि वो अपने Uh, पूरे टेरिटरी को बचाने के लिए एक आर्मी खड़ा करेगा क्योंकि उसको टैक्स तो मिल ही रहा है पैसे है उसके पास अभी तो आर्मी को सैलरी देने के लिए खिलाने पिलाने के लिए उसके पास पैसे हैं टैक्स के तो इसलिए नाउ ही कैन अफोर्ड कि एक आर्मी को हम खड़ा करें अंडरस्टूड और बिंबिसार इज वेरी हाउ डू आई टेल यू नाउ वेरी नॉलेजेबल एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उन्होंने कैसे मगध की जो आ, पावर है उसको उन्होंने कैसे एस्टेब्लिश किया ही यूज थ्री प्रोंग स्ट्रेटजी एक तो उन्होंने दोस्ती की मेट्रीमोडियल अलायंसिस द सेकेंड वन और थर्ड वन जो वीक था उसको उन्होंने युद्ध में हरा दिया थ्री प्रोंग पॉलिसी था उनका मेट्रीमोडियल अलायंसिस शादी की उन्होंने जो दूसरे आसपास के जो महाजनपद थे तो उनके साथ मेट्रीमोलियन मेट्रीमोनियल अलायंसेस उन्होंने की उसके बाद जो स्ट्रांग रूलर्स थे क्योंकि मगध भी स्ट्रांग था तो बाकी जो स्ट्रांग रूलर्स थे बाकी महाजनपद के उनसे उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली फाइन तो खतरा नहीं था अभी बाकी महाजनपद से जो स्ट्रांग महाजनपद थे उनसे खतरा नहीं था फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स जो नेबरिंग जो राज्य थे जो वीक थे उनको उन्होंने कॉन्कर कर लिया बाई बैटल्स फाइन सो so, ये था थ्री प्रोंग स्ट्रेटजी ऑफ बिम्बिसार फिर शत्रु आए इट इज दैट ही इज द वन हु किल्ड हिज फादर बिम्बिसार टू बिकम द किंग ओके तो सन ऑफ बिम्बिसार उसके बाद इन्होंने मिलिटरी टेक्निक्स में दो इनोवेटिव मिलिटरी वेपन इंट्रोड्यूस किए ने ही अ वेरी सक्सेसफुल रूलर जैसे बिम्बिसार काफी सक्सेसफुल थे वैसे ही अजात शत्रु भी बहुत ही सक्सेसफुल थे और इन्होंने ये दो मिलिटरी टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन किया इन इंडियन व्हाट डू आई से टर्म्स ऑफ वॉरफेयर ठीक है तो महाशीलकंट महाशीलकंठ ऐसे जो टर्म्स है वो हमें याद रखने क्योंकि कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है आपको ऐसे टर्म्स और इसका मीनिंग आपको जानना चाहिए तो महाशीलकंठ क्या है ये एक मिलिट्री वेपन है जो इंट्रोड्यूस किया था अजात शत्रु ने और इसमें क्या होता है कि यूज टू थ्रो स्टोन लाइक कैटापुल्स। आपको पता ही होगा ऐसा यहां पे रबर होती है और यहां पे पत्थर रख के इसको खींचा जाता है ऐसे तो इसी का एक बहुत बड़ा स्केल में इन्होंने इनोवेशन किया एक बड़ा सा बनाया और बड़े बड़े पत्थर वो फेंकते थे अपने एनिमीज पे तो इसी को महाशिलक कंठ बोलते हैं राइट और रथ मुसल रथ मुसल क्या था जो रथ में वो गदा लगा देते थे चैरियट विथ मेस तो बहुत सारे एनिमीज बैटल ग्राउंड में तब मर जाते थे जब वो रथ जो आप है आप सोचिए जब बैटल चल रही है तो काफी सारे सैनिक नीचे रहते हैं और ये रथ जब चल के जाती है उनके बीच से क्योंकि गदा लगा हुआ है उसमें तो काफी सारे एनिमीज तो तभी मर जाते थे आई होप यू कैन इमेजिन द सीन राइट और फिर बुद्ध जो थे जो कंटेम्परे थे बिंबिसार के तो इनके समय अजात शत्रु के समय उनकी डेथ हुई और शत्रु ने ही बुद्धिस्ट काउंसिल जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अरेंज किया था हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में इन डिटेल इन द बुद्धिज्म लेक्चर बट

पाटलिपुत्र बेसिकली पाटलिपुत्र इज मॉडर्न डे पटना मी शो यू जैसे ये एक नदी है और ये एक नदी ठीक है तो यहां पर आकर आकर मिलती है ये दो नदियां यहाँ पर था पाटलिपुत्र तो इससे एडवांटेज क्या है कि अगर कोई आएगा अटैक करने के लिए उसको नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा अब नदी क्रॉस करना मुश्किल है जब नदी क्रॉस करते रहेंगे तब दिखाई देगा पाटलिपुत्र से कि कोई आ रहा है सो दैट इज वन ऑफ द रीजन्स की अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से पाटलिपुत्र रिमेंड इन फ्री फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम द एनिमीज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी ओनली आई होप यू अंडरस्टुंड दिस पार्ट ऑल्सो तो अगेन रिलेटिंग टू दैट मेन्स वाला जो पी वाई क्यू था उसके साथ अगर हम रिलेट करें कैसे जियोग्राफी हेल्प कर रही है मगध एज अ जनपद टू बिकम मोर स्ट्रोंगर क्योंकि अटैक ही नहीं कर पा रहा है कोई राजगृह में भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द हिल्स पहाड़ों की वजह से और यहाँ भी पाटलिपुत्र को भी कोई अटैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि नदियां हैं यहाँ पे राइट right? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शिशुंग डायनेस्टी अब शिशुंग है क्या बेसिकली शिशुंग एक वाइस रॉय हुआ करते थे बनारस में और ये जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे महाजनपद के समय इनको बोला बोला जाता था आमत्य आमत्य ओके okay. तो ऐसे टर्म्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में सो so, आमत्य मतलब हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपद ये थे शिशुंग आमत्य हुआ करते थे बनारस में ठीक है तो अब क्या हुआ कि यहां पे अगर आप देखें हरियंक डायनेस्टी में उदयन के बाद जो राजा है वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इतना अच्छा नहीं था तो मगध के लोगों ने क्या किया तो इन्होंने बनारस के इस आमथ्य को शिशुंग को बोला कि आप राजा बन जाइए इनसे नहीं हो पा रहा है तो फिर शिशुंग आते हैं और वो राजा बन जाते हैं और इन्होंने फिर से कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली पर टेम्पोरि ज्यादा टाइम नहीं ओके और अवंती को पार्ट ऑफ मगध बना लिया प्रद्योत डायनेस्टी को हरा के अवंती कहां है लेट मी शो यू अगेन तो दिस 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 पार्ट इज अवंती दिस इज मगध तो इन्होंने अवंती को अपने अंडर ले लिया ठीक है तो दिस इज अगेन एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो बिंबिसार के जो बिंबिसार का भी आइडिया था एक्सपेंशन करना अजात शत्रु का भी तो वही शिशुंग ने भी कंटिन्यू किया एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द मगध फिर काल अशोक आए काल अशोक के समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई क्योंकि वैशाली वॉज द कैपिटल तो वहां पर हुई आ गया कि ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस प्लेस कॉल्ड वैशाली तो पाटलिपुत्र में ही कैपिटल होना चाहिए तो फिर से इन्होंने शिफ्ट कर दिया उधर राइट right? और अगेन बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे बट क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं then, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में काल अशोक के समय पहला कब अजात शत्रु के समय हुआ था और दूसरा ये काल अशोक के समय तो आई होप यू रिमेंबर्ड दिस पार्ट टिल नाउ अब आगे बढ़ते हैं नंद डायनेस्टी सो दिस इज द बिगेस्ट डायनेस्टी बिफोर द मॉरियंस ठीक है तो महापद्मानंद जो थे वो थे इसके फाउंडर और उग्रसेन इन भी इनको बोला जाता था क्योंकि इनकी जो आर्मी थी बहुत बड़ी थी तो इसलिए उग्रसेना बोलते थे इसको और ये पहली डायनेस्टी है जो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बोला जाता है कि महापद्मानंद एक शूद्र थे और ये पहली ऐसी डायनेस्टी है इसलिए जो नॉट क्षत्रिय क्योंकि इससे पहले जितने भी डायनेस्टी थे सारे क्षत्रियो की डायनेस्टी थी तो ये था पहला रिमेंबर दिस काफी टाइम ऐसा पूछा जाता है फ्रीलिम्स में कि पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सा था या शूद्र डायनेस्टी कौन सा था पहला तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो यूल बी एबल टू आंसर कि इट वॉज नंदा डायनेस्टी फाइन सो रिमेंबर द नेम ऑफ द फाउंडर महापद्म नंदा ओके और इन्होंने क्या किया कलिंगा को ऐड कर दिया मगध के साथ ठीक है तो नाउ एक्सपेंशन तो हो ही रहा है मगध का बड़ा होते जा रहा है मगध आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि टेरिटरी बड़ी हो रही है मगध की अभी भी एक्वाइर्ड कोसाला कोसाला एक जो हमने देखा था महाजनपद उसको भी एक्वायर कर लिया और बड़ी हो गई है मगध की टेरिटरी मेथोडिकल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल्ट कैनल्स फॉर इरिगेशन अब क्योंकि इतनी बड़ी है ये एरिया जो है मगध की वो बहुत बड़ी है तो इसमें टैक्स कलेक्शन को अगर आप एक मेथड में नहीं करेंगे तो हाउ विल यू बी एबल टू मेंटेन सच अ लार्ज एरिया तो इसलिए क्या किया इन्होंने एक मेथड निकाला टैक्सेशन का हमने देखा था टैक्सेशन के बारे में अर्ली वैदिक एज में बलि जो एक वॉलेंटरी टैक्स हुआ करती थी फिर लेटर वेदिक में आते आते ये कंपलसरी हो गया मैंडेटरी बन गया वो और अभी बाय द टाइम ऑफ महाजनपद काफी सारे टैक्सेस हो गए ऑलमोस्ट सिक्सटी साठ सिक्सटी टैक्सेस वेर देयर इन टाइम्स ऑफ महाजनपद और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आपको मेंटेन करना है एक ऐसा आर्मी अगर आपको एक्सपेंशन करना है अपने राज्य का तो आपको टैक्सेस की जरूरत है कितना देते थे वन सिक्स देते थे वो सब हम देखेंगे बाद में थोड़ी देर बाद ही बट माई पॉइंट हियर इज कि अगर आपको एक्सपेंशन करना है अगर इतनी बड़ी आर्मी रखनी है बिकॉज यू सी उग्रसेन लार्जेस्ट बहुत ही बड़ा आर्मी था उनका तो नाम ही उग्रसेन था तो इसलिए उसके लिए टैक्सेस की जरूरत तो है और आप उसको ऐसे ही रैंडमली नहीं ले सकते हैं। आपके पास एक मेथड होना चाहिए दैट इज समथिंग दैट वाज डिवाइस्ड ड्यूरिंग द महापदम टाइम तो और कैनाल्स भी बिल्ड किए उन्होंने फॉर एग्रीकल्चर क्योंकि अगर एग्रीकल्चर रिच एरिया है और वहां पर इरीगेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो कैसे आपकी फसल जो है वो ज्यादा उपजाऊ होगी इट्स नॉट पॉसिबल राइट सो यू विल लूज आउट लैंड तो फर्टाइल है पर अगर आप एग्रीकल्चर बेसिकली इिगेशन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट कैसे मिलेगा सो so, इसलिए ही बिल्ट कल्सो ड्यूरिंग धनानंद आते हैं धनानंद के टाइम पे ही अलेक्सेंडर द ग्रेट ने अटैक uh, किया था इंडिया में हम पढ़ेंगे एलेक्सेंडर के इन्वेजन के बारे में भी और इनको भी क्रेडिट दिया जाता है कि इनकी भी आर्मी बहुत ही लार्ज थी बहुत ही एरोगेंट और ऑप्रेसिव रूलर हुआ करते थे जो बहुत ही हैवी टैक्सेस इंपोज करते थे तो एक नॉवल है इट्स कॉल्ड चाणक्य चैंट रिटन बाय अश्विन सांघी तो उसमें आप पढ़ते हैं कि कैसे धनानंद जो थे एक बहुत ही क्रूर राजा हुआ करते थे उस समय मगध में और कैसे चाणक्य ने वहां पर आकर उन्हें बोला था कि एलेक्जेंडर जो है वो आक्रमण कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में तो आपको कुछ करना चाहिए और तभी धनानंद ने जो है बहुत ही इंसल्ट की थी कोर्ट में पूरे आ, कोर्ट में चाणक्य की और तब चाणक्य ने ये प्रण लिया था कि तुम जो इतने बहुत ही घमंडी बन चुके हो तो तुम्हारे घमंड को मैं ब्राह्मण तोड़ूंगा और वही करता है चाणक्य बिकॉज ही ट्रेन हिज डिसाइपल चंद्रगुप्त मौर्य जिससे कि बाद में मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन अम्पायर जो है वो शुरू होता है तो उसके बाद दैट हैपन्स सो दैट इज बेसिकली बिकॉज धनानंद वॉज सो ओप्रेसिव और इतने एरोगेंट थे क्योंकि उस टाइम तक बहुत बड़ा हो चुका था मगध का एम्पायर अब क्योंकि इतना बड़ा था तो दिस वॉज वेरी नेचुरल कि जो रूलर होंगे वो बहुत ही एरोगेंट होंगे बहुत ही ओप्रेसिव होंगे और एरोगेंट इसलिए भी क्योंकि काफ़ी सारे जो महाजनपद थे वो ऑलरेडी पार्ट हो चुके थे इस मगध एम्पायर का बेसिकली द एंटायर मगध जनपद तो इसलिए भी वो बहुत ही एरोगेंट थे उनको लगा कि क्या ही कर लेगा एलेक्सेंडर तो इसलिए जब चाणक्य आए तो उनकी इंसल्ट की थी फाइन तो बट उसके बाद चाणक्य ने ट्रेन किया चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको एंड देन द मौर्य डायनेस्टी स्टार्टेड ठीक है तो उसके बारे में ऑफकोर्स बाद में पढ़ेंगे हम इन अ डिफरेंट लेक्चर नाउ मगध जो इतना सक्सेसफुल बना क्यों हुआ वाई वॉज इट सो सक्सेसफुल बाकी सारे जो महाजनपद थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए पर मगध हुआ तो उसके कारण देखते हैं हम पहला तो है ज्योग्राफिकल पोजीशन अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने शेप किया एंशियंट इंडिया को तो एडवांटेजेस पोजीशन पे था ठीक है प्रॉक्सिमिटी एंड कंट्रोल ओवर रिचेस्ट आयरन डिपोजिट हमने देखा कैसे आयरन की वजह से जन फिर जनपद और महाजनपद बने फॉरेस्ट को क्लियर किया फिर प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड बनाए बिकॉज ऑफ आयरन तो क्योंकि आयरन डिपॉजिट्स के पास ही था मगध तो उन्होंने काफी ज्यादा किया आयरन को. मगधन वेपन्स फार सुपीरियर एंड इफेक्टिव वाई बिकॉज आयरन डिपॉजिट्स तो थे ही पर स्किल्स भी थे हमने देखा भी कि कैसे देर टू डिफरेंट वेज न्यू वेपन्स विच वेर इंट्रोड्यूस्ड बाई अजात शत्रु राइट right. और जो कैपिटल्स थे जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि राजगृह और पाटलिपुत्र वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थे अगेन ज्योग्राफिकल एडवांटेज फाइन और फिर फर्टाइल रिवर प्लेन्स में क्योंकि था मगध तो इसलिए एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा जब एग्री एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो ज्यादा टैक्स लेगा राजा अब जब ज्यादा टैक्स लेगा तो ज्यादा बड़ी आर्मी वो रख पाएगा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है राइट right. तो दिस पॉइंट एबल एंड एम्बिशियस रूलर्स भी थे जैसा हमने देखा बिम्बिसार फिर अजातशत्रु फिर महानंद महापद्मानंद तो हमने ये सब देखे हैं तो इन्होंने क्योंकि इनका एम्बिशन बढ़ा था तो उनको एक्सपेंशन करनी थी मगध की तो वो उसी आइडिया से वो आगे बढ़ते रहे तो इसलिए काफ़ी एक्सपेंशन हुआ मगध का एंड देन राइज ऑफ ट्रेड टोल्स लेविड तो क्योंकि ट्रेड काफ़ी वहां पे फ्लरिश करने लगा तो इसलिए उन्होंने टोल्स लगाने शुरू किए टोल्स मतलब अगर आपको आना है मगध में ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको कुछ तो टोल देना पड़ेगा आज भी जैसे टोल गेट्स होते हैं हाईवेज में वैसा ही था कुछ अगर आपको अंदर आना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और काफी सारे नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड क्योंकि काफी सिटीज भी बड़ी थी तो वहां पे काफी सारे लोग घूमने भी आते थे so, अभी आजकल के टाइम जैसा मतलब इट्स नॉट लाइक टूरिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग बट लोग इधर से उधर जाते थे उस समय तो घूमते थे यहाँ से वाइट सिटी से उस सिटी समटाइम्स फॉर पिलग्रिमेज एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स फॉर ट्रेड तो उससे भी ये काफी सारा टोल कलेक्ट करते थे जब टोल कलेक्ट करते थे तो इट वुड एड टू द खजाना ऑफ द राजा तो उससे भी काफी हेल्प हुआ था कि मगध इकोनॉमिकली बहुत अच्छा बना देन इफ वी सी अबाउट इन्वेशंस तो दो इन्वेशन्स हुए उस समय नाउ ये मगध जो है ये है नीचे अगर आप मैप याद करें तो देन विल रिमेंबर कि यहाँ पे बिहार के पास है मगध और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ भी कुछ थे महाजनपद्स राइट इफ यू रिमेंबर कम्बोज गांधार ऑल दोज आर देयर लेकिन इधर मगध के पास क्या प्रॉब्लम क्या अपॉर्चुनिटी थी कि इन्होंने काफ़ी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और काफ़ी सारे जनपदों को अपने अंदर समा लिया पर नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ था कि वो जो महाजनपद थे दे आर फाइटिंग अमंग डेमसेल्स अब क्योंकि वो अपने में फाइट कर रहे थे तो बाहर के जो पावर्स थे उनके लिए आसान था कि ये अंदर आए बेसिकली थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया दे वॉन्टेड टू कम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वो आइडिया था क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत ही उपजाऊ जगह है ये नॉर्थ द इंडोगेंजेटिक प्लेन तो काफी सारा टैक्स वहां से मिल सकता है तो अगर फर्स्ट इन्वेजन पर्शियन इनफैक्ट तो पर्शियन ने सोचा कि अगर हम आ जाए यहाँ पे अगर हम इन्वेड कर ले तो हमें काफी सारा पैसा मिलेगा यहाँ पेट वॉज ऑफ द रीजन की होल आइडिया कि वो इन्वेजन कर पाए वाज बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था वो यूनाइटेड नहीं था और कोई ऐसा मगध जैसा एक जो स्ट्रॉन्ग पावर वो नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं था अब क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में नहीं था तो इसलिए इट वॉज इजी फॉर द फॉरेन पावर्स टू कम एंड इनवेट राइट सो सबसे पहले पर्शियंस आए थे ठीक है यहां से इफ यू सी कंबोज एंड गांधार ठीक है तो यहां पे काफी सारे छोटे जगह भी था लाइक तक्षशिला वॉज देयर एंड ऑल दीज प्लेज देयर तो यहां पे नथिंग नन ऑफ दीज वे एज स्ट्रॉग एज मगध तो इसलिए यहां से हिंद कुश माउंटेन से होके ये आ पाए पर्शियंस आए पहले उसके बाद ग्रीक्स इन द फॉर्म ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट तो वैसे आए थे ठीक है तो जो सबसे पहला इन्वेजन था वो साइरस ने किया किंग साइरस फ्रॉम पर्शिया तो इन्होंने किया सबसे पहला इन्वेजन सब कॉन्टिनें में उसके बाद डेरियस ने इन्वेट तो किया उसके बाद उन्होंने एनिक्स भी किया पंजाब को और वेस्ट ऑफ इंडस ठीक है आप यहां पे देखिए ये जो इंडस रिवर है इसके वेस्ट में यहां इस एरिया को इन्होंने एनेक्स कर लिया था ठीक है और पंजाब को भी किया एंड सिंध इन सारे इन्होंने एनेक्स कर लिया सो यू कैन इमेजिन अ लार्ज पार्ट वाज़ अंडर द पर्शियंस उस समय फिर अलेक्जेंडर आए तो एलेक्जेंडर को तो पहले तो आई मीन लेट मी जस्ट टेल यू की वाई एलेक्सेंडर फ्रॉम ग्रीस मैसेडोनिया बहुत दूर है तो वहां से यहां तक क्यों क्योंकि अलेक्सेंडर ने सुना था अबाउट द फेब्यूलस वेल्थ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट उन्हें पता था कि बहुत ही उपजाऊ जमीन है टैक्स बहुत है यहां पे तो ही हैड सो ही केम हियर एंड आल्सो क्योंकि एक वर्ल्ड डोमिनेशन पे वो थे तो इसलिए ही he केम यहां पे तो आके इस जगह को तो हमें अपने वश में करना है अपने अंडर लेना है उसके बाद सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओशन तो ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी अलेग्जेंडर द ग्रेट उनका काफ़ी इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में तो इसमें क्या हुआ कि ग्रीक्स जो थे उनको ओशन का अंत नहीं पता था तो ये एक पजल था जो ग्रीक ज्योग्राफे ज्योग्राफी जो पढ़ते थे स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीस तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट था एलेक्डर का तो ये चाहते थे कि एक बार आए इधर पूरे एरिया को कॉन्कर करें और जाके देखें कि ओशन कहाँ तक है दैट वॉज वन पजल जो सॉल्व करना चाहते थे अलेग्जेंडर तो इसलिए भी यहाँ पे इन्वेट किया गया एलेक्जेंडर के द्वारा देन पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वेस्टर्न इंडिया में जैसा मैंने बोला कि आपस में फाइट करते थे तो इसलिए इतना स्ट्रांग नहीं था उनमें यूनिटी तो इट वॉज इजी फॉर हिम टू कम तो क्योंकि देखा कि पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो इतनी स्ट्रॉग नहीं है तो वो आराम से अटैक कर पाएंगे फाइन तो इसलिए वो आए खाइबर पास वहां से उन्होंने एंटर किया एंड देन उन्होंने जब एंटर किया तो वहां पे जितने भी किंगडम्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया एक्सेप्ट वन पोरस जो थे राजा उन्होंने चैलेंज किया एलेक्सेंडर को बाकी सब ने विदाउट इवन फाइटिंग सबने सरेंडर कर दिया कि हम तो नहीं लड़ पाएंगे आपसे ले लीजिए हमारा राज्य लेकिन पोरस ने कहा कि मैं नहीं दूंगा मैं फाइट करूंगा तो पोरस ने फाइट किया तो बैटल ऑफ हाइडसपास झेलम नदी के किनारे ये फाइट हुई ये बैटल हुई वहां पर ऑफकोर्स पोरस हार गया लेकिन अलेक्सेंडर वॉज सो हैपी विद ब्रेवरी ऑफ पोरस की इतने ब्रेव है पोरस और जैसे सारे सोल्जर्स ने लड़ाई की विथ uh, एलेग्जेंडर्स सेना तो उन्होंने उनको लगा कि इनको इनका राज्य वापस कर देना चाहिए तो इसलिए पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया गया ऑल दो ने हरा दिया था पोरस को फिर वो आगे बढ़े फिर ब्यास नदी के किनारे पहुँचे पर तब तक ये जो एलेग्जेंडर की सेना थी वो काफ़ी थक चुकी थी तो इन्होंने बोला कि हम और आगे नहीं जाएंगे हमें घर वापस जाना है तब फाइनली ही डिसाइड्स अलेक्जेंडर डिसाइड्स कि अब हम ग्रीस मैसेडोनिया वापस चले जाएंगे बाय द वे दिस वाज द टाइम 326 BCE कुछ किताबों में आपको 325 BCE भी मिलेगा फाइन तो तब ही डिसाइड्स कि ब्यास रिवर के किनारे से इनको लगता है कि अभी हम वापस चले जाते हैं फिर से ग्रीस चले जाते हैं पर जाने से पहले बियास नदी के किनारे बारह पिलर्स इरेक्ट करते हैं एलेक्सेंडर अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए और यह बताने के लिए कि एलेक्सेंडर ने यहां तक कॉन्कर किया था वर्ल्ड में राइट सो आई होप यू दिस पार्ट ऑल्सो देन सोशल और मटेरियल लाइफ कैसी थी उस समय महाजनपद के समय कैसी थी तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एन बी पी डब्ल्यू क्या है ये मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी में पॉटरी का बहुत इंपॉर्टेंस है तो हर एज की पॉटरी को हम स्टडी करते हैं इन आर्कियोलॉजी एंड इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि लोगों की लाइफ कैसी थी उस समय तो महाजनपदों के समय जो पॉटरी थी वो थी एन बी पी डब्ल्यू मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक ही थी पॉटरी दूसरे कलर्स भी थे शेड्स ऑफ ब्लैक भी थे पर पॉलिश जब भी पॉटरी पॉलिश होती है इसका मतलब ये होता है कि काफी एडवांस्ड टाइप की पॉटरी वहाँ पे हो रही थी उस समय सो एन बी पी डब्ल्यू का मतलब ये है हम समझ पाते हैं कि उस समय जो थी पॉटरी दैट वॉज क्वाइट एडवांस्ड Right? फिर बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ मनी पंचमार्क्स निष्का के बारे में हमने पढ़ा था वेदिक तो उसका प्रचलन बेसिकली प्रचलन अब ज्यादा होने लगा, punch -marked coins, मतलब कि कॉइन पे एक कुछ आइटम रहेगा पंच किया हुआ जैसे कि कोई घोड़ा हाथी कोई पेड़ जो आइडेंटिफाई करेगा तो पंच मार्क्स का प्रचलन होने लगा वॉज मोर प्रेविलेंट इन ड्यूरिंग दिस टाइम वाइन, क्योंकि ऑफकोर्स बाटर सिस्टम तो इतना चलता नहीं है राइट देर आर प्रॉब्लम विद सिस्टम, तो दे शिफ्टेड टू मनी ना प्रोमिनेंट टाउन्स और सिटीज अब यहाँ पे आने लगे महाजनपदों में इनमें से कुछ काशी कौशाम्बी वैशाली कपिल वस्तु पाटलिपुत्र श्रावस्ती तो इनमें से काफी सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम बुद्ध और आ, महावीर के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद ये जो बड़े बड़े सिटीज थे इनमें गवर्नमेंट की सीट्स हुआ करती थी बेसिकली लेटर एज में हमने देखा था कि ब्यूरोक्रेसी एक बन के आ रही थी उभर के आ रही थी जो uh, राजा को हेल्प करती थी इन एडमिनिस्ट्रेशन महाजनपदों के समय भी हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो गई एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प करने लगी तो इन जो बड़े बड़े सिटीज़ का जो टाइम uh, जो आने लगा तो यहाँ इन सिटीज़ में ये ऑफिसज़ बनने लगे बेसिकली दीज गवर्नमेंट ऑफिस ब्यूरोक्रेट्स वहां पर बैठने लगे अपनी ऑफिस बनाने लगे मेजर हब्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो ये जो सिटीज थी मेजर हब्स बनने लगे ट्रेड एंड कॉमर्स के ऑफकोर्स क्योंकि यहां पे काफी सारा ट्रेड एंड कॉमर्स होने लगा तभी तो ये बड़ी सिटीज बनी आई होप यू अंडरस्टूड दैट और एक और रीजन हम देखेंगे कि ऑल मेजर सिटीज वेर ऑन रिवर बैंक्स एंड ट्रेड रूट्स अब आप मेरे को बोलिए कमेंट्स में कि अगर कोई सिटी ट्रेड रूट या रिवर बैंक में है तो उसका एडवांटेज क्या है प्लीज लेट मी नो इन द लेट मी टेल यू अगेन अगर कोई बड़ी सिटी ट्रेड रूट या रिवर बैंक में है तो उसका एडवांटेज क्या है कमेंट्स में बताइए और क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ करता था यहाँ से टेक्सटाइल गुड्स आइवरी प्रोडक्ट्स पॉट्स सो बेसिकली क्राफ्ट्स के काफी सारे आइटम्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे उस समय टाउन्स एंड विलेजेस म्यूचुअली सपोर्ट करते थे एक दूसरे को कैसे विलेजेस में एग्रीकल्चर ज्यादा होता था सरप्लस होता था तो उसे भेजा जाता था टाउन्स या सिटीज में टाउन्स और सिटीज क्या करते थे इन रिटर्न भेजा करते थे जो क्राफ्ट यहाँ पे बनते थे कपड़े पॉट्स एंड ऑल द अदर क्राफ्ट आइटम्स सो वो सब भेजा जाता था विलेजेस को गांव में सो दिस इज वेरी मच लाइक टूडे ऑल्सो कि आज गांव से हम क्या ले रहे हैं वी आर ओनली टेकिंग द एग्रीकल्चर सरप्लस और हम गांव में क्या भेज रहे हैं वी आर सेंडिंग मनी राइट वी आर सेंडिंग द गुड्स जो बनते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में इन दीज टाउन एंड सिटीज अर्बन एरियाज में जो बनते हैं हम वो भेजते हैं गांव में तो उस समय भी ऑलमोस्ट वही हो रहा था दीज वेर बोथ सपोर्टिंग ईच अदर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे विलेजेस और सिटीज और फिर जो मैंने बोला कि टैक्स वन सिक्स देते थे प्रोड्यूस पेड बाई पेक्स काफी सारे टैक्सेस थी अराउंड अराउंडी टैक्सेज द महाजनपद टाइम्स तो जो फार्मर्स थे पेजेंट्स जो थे वो अपना प्रोड्यूस जो था उनका तो उसका वन सिक्स पार्ट वो राजा को एज टैक्स देते थे और इमरजेंस ऑफ द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हमने देखा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक एज तक नहीं आया था टेरिटरी का कॉन्सेप्ट था पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का अब भी नहीं था लेकिन महाजनपद के समय तक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया अब टेरिटरी तो है ही पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसा लोग सोचने लगे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टूडे क्या आज ऐसा कुछ है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डू यू थिंक कि महाजनपद के टाइम से आज के टाइम तक दैट इज टिल ट्वेंटी कुछ चेंज हुआ बिल्कुल नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आज भी है कुछ ऐसे सोशल लाइफ में चीजें हम देख सकते हैं महाजनपद के टाइम से जो आज भी कंटिन्यू हो रही है देन मूविंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसा मैंने बोला आपको कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ था जो लेटर वैदिक एज में तो था पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया इन द महाजनपद टाइम अब महाजनपद टाइम में कैसे ज्यादा स्ट्रांग बना क्योंकि इकोनॉमी अच्छी थी अभी उपजाऊ जमीन था ऑफ कोर्स तो इसलिए इकोनॉमी अच्छी थी अब इकोनॉमी अच्छी थी तो स्टैंडिंग आर्मी थी वो भी हमने देखा राइट right? और क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी थी एंड इकोनॉमी अच्छी थी एग्रीकल्चर सरप्लस था तो इसका मतलब नाउ द किंग इज स्ट्रोंग वेरी स्ट्रांग अब वो जो काउंसिल्स थे जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काउंसिल्स ऑफ गणसंघ आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंसिल्स ऑफ द अर्ली वेदिकेज राइट सभा समिति गण विधाता उनके बारे में हमने देखा था पढ़ा था तो अब वो तो नहीं है राइट right? अब किंग जो है वो सबसे ऊपर है वही सारे डिसीजन ले रहा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा राजा तो खुद नहीं कर सकता इतना कुछ तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व होने लगी अब काफी सारे अमत्य मतलब वेरी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो है वो आने लगे और वो काम करते थे बलि साधक के बारे में हमने देखा था जो टैक्स कलेक्ट करता था तो ऐसे काफी सारे ऑफिशियल्स थे जो राजा की मदद करता था इन रनिंग एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सो ऐसा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द महाजनपद टाइम फिर जो लीगल सिस्टम है वो कैसा था लीगल सिस्टम जो है अब इस पर भी अगर आप देखें हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था राइट ड्यूरिंग द लेटर वेदिक एज वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था जो बाद में बहुत ही रिजिड वर्ण सिस्टम में चेंज हो जाता है राइट तो ये जो है वर्ण सिस्टम अब इसमें हमने एक हाइडर देखी थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है उसके नीचे उसके उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे वैश्य शूद्र तो अब क्या हुआ कि अब ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है इसमें सबसे नीचे शूद्र है और जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा प्रिविलेज ब्राह्मण के पास है शत्र तो है ही रूलिंग क्लास और सर्विस जो देते थे बेसिकली ट्रेडिंग करते थे या स्किल्स जो थे जिनके पास या क्राफ्ट्समैन जो थे वो थे वैश्य और बाकी तीनों को सर्व करते थे ये शूद्र और शूद्रों को सबसे ज्यादा घृणा किया जाता था उस समय तो लीगल सिस्टम भी बहुत ही अनफेयर हुआ करता था कि जो पनिशमेंट्स हुआ करती थी उस समय वो सबके लिए सेम नहीं था ब्राह्मणों के लिए बहुत ही लीनियंट हुआ करता था क्षत्रियो के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वैश्यों के लिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग शूद्रों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रोंग तो सेम क्राइम अगर कोई कर रहा है पर दूसरे कास्ट का है अलग अलग कास्ट जैसे चोरी की किसी ने अगर वो ब्राह्मण है तो उसे पनिशमेंट कम होने वाला है पर अगर वो शूद्र है तो उसे एक्सट्रीम पनिशमेंट मिलेगा तो लीगल सिस्टम भी ऐसा था जो बहुत ही अनफेयर हुआ करता था डिपेंडिंग ऑन कौन सा कास्ट अगर आप आज के समय में देखे हमारा लीगल सिस्टम ऐसा नहीं है इट डज नॉट रियली केयर कि आप कौन से कास्ट से हैं अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको सेम ही पनिशमेंट मिलने वाला है जो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए पर उस समय इट वॉज नॉट लाइक दैट बेस्ड ऑन योर कास्ट आपको पनिशमेंट मिलेगा तो वो अलग अलग हुआ करता था आई होप यू व लीगल सिस्टम ऑल्सो तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम ऑफकोर्स पढ़ेंगे अबाउट ऑल दीज थिंग्स बुद्धिज्म जैनिज्म एंड देन हम मौर्यों के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि मगध के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है तो देन ऑफकोर्स द मौर्याल कम बट दिस लेक्चर एंडस हियर बट बिफोर वी लीव लेट मी ऑल्सो टेल यू अगेन अबाउट द यू पी एस सी सी एस सी सब्सक्रिप्शन जो ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन में मिल रहा है आपको और आज ही ये ऑफर खत्म होने वाला है you have to use my code aru50 to get it at this price then pathway batch jo hai wo last live batch hai 2025 ke liye english language mein hai aur india ke top educators aapko padhayenge is batch mein aru50 aap code use kar sakte hain to get the maximum discount और जो batches 2025 और 26 के लिए हैं तो Liberty batch 2026 completely English batch है और दो के लिए एक पाथवे बैच जो इंग्लिश मैंने हमने अभी देखा था जो लास्ट लाइफ बैच है वो शुरू होने वाला है एंड आरंभ जो है वो 2026 के लिए है जो इंग्लिश में ही है लेकिन फाउंडेशन बैच है अगेन टॉप एजुकेटर्स आप देख ही सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर और ऊ फिफ्टी इज द कोड यू कैन यूज टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं तो प्लस के अलावा आइकॉनिक पे क्या मिलता है आपको प्लस में जो है वो सब तो मिलता ही है उसके साथ लाइव मेंटरशिप ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस डेली आंसर राइटिंग ट्वेंटी जी एस पी बुक्स आस्क डाउट यू कैन आस्क डाउट्स देयर डेली कंटेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के साथ अरू फिफ्टी इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑप्शनल भी है दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिनके बैचेज अभी चल रहे हैं अरू फिफ्टी इज द कोड यू कैन यूज टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट देयर एंड अन अकेडमी जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है अगर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन आप करते हैं दो साल तीन साल के लिए प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपको क्यू मिलता है मेंस के लिए जो फ्री है मेंस क्लियर करने पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो हंड्रेड फी आपका रिफंड हो जाता है दिस इज द कोड और यू कैन यूज फॉर सी एस एज वेल तो यही था आज का लेक्चर ऑन महाजन पदर आपसे हम मिलेंगे ऑन द इन द नेक्स्ट लेक्चर जहां पे हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड अगर आपने इसके पहले जो लेक्चर्स लिए हैं मैंने जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन फाइंड द प्ले लिस्ट इन दिस चैनल सेल्फ एंड वॉच दोज लेक्चर्स इज वेल टू गेट अ कॉम्प्रीहसिव आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट हिस्ट्री सो थैंक यू सो मच सी यू सून